दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जिगर्स, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि कुछ लोगों को ना पता नहीं लगता कि यार हम लोग नेशनल ट्रेजर किस तरह से मतलब के ले सकते हैं। ये पायरेट्स वाला ट्रेजर चेस्ट जो है, ये पायरेट्स वाला ट्रेजर चेस्ट लेने का ना ईजी वे जो है ना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये लिटरली बहुत वर्किंग है और मैं खुद भी इस तरीके से जाके लेकर आपको दिखाता हूँ और आप टेंशन ना लें। आप लोगों ने कुछ लोग तो कन्फ्यूज हैं यार, हमें पता कैसे लग रहा है, ये यूट्यूबर्स को कैसे पता लग रहा है यार यहाँ पे ये मिलेगा। तो आप यार ये मैप देख सकते हैं, डेली का ये मैप आई थिंक ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं। ये मैप में देखें यहाँ पे ये दो जहाज बने हुए हैं, साथ में क्रॉस लगाया है, एक दो घर हैं। ये कौन सी जगह है? ये हैंगर वाली जगह है, ठीक है ना। आप लोगों को बस माइंड में रखना है, अगर आप लोग गेम खेलते हैं ना तो आप लोगों को बस ये माइंड में होना चाहिए कि ये गेम कौन सी है, मतलब कि गेम में ये जगह कौन सी है, बरमूडा मैप में या प्रगति मैप में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे दो जहाज खड़े होते हैं। सबके दिमाग में यही कॉमन चीज़ है कि अगर वो डेली बेसिस पे गेम खेलता हुआ या गेम का बहुत बड़ा लवर हुआ उसे सबसे पहले यही पता रहेगा हैंगर की ये जगह है, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा हमें रिवार्ड्स उसमें क्या मिल रहे हैं, हमें पायरेट वाले ये ड्रेसिस, इनका ये सर्फ बोर्ड और साथ में ये डेथ बॉक्स 24 24 आवर के लिए, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। और ये मैं आप लोगों को, ये हम लोगों ने 15 दिन तक 15 बॉक्सेस का क्लेम करने, मतलब 15 दिन तक एक बार तक क्लेम करेंगे 24 24 मिल गया, फिर 15 दिन का 15 15 कर लेंगे, फिर 24 24 फिर और मिल जाएगा। मतलब कि टोटली हम इसे 2 दिन के लिए इन ड्रेसेस को रख सकते हैं अपने पास, ठीक है ना जिगर। तो अभी मैं गेम में चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग वो क्लेम कर सकते हैं, इजी ट्रिक। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं हैंगर वाली साइड पे खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचूंगा ये दो जहाज़ों के दरम्यान में, ये पत्थर के पास आऊँगा, तो यहाँ पे मुझे ये डिग का ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें जैसे क्लिक करूँगा ये हमारा वो रिस्प्लाई मैप की तरह या फिर कोई मेडिकल किट यूज़ करने की तरह होगा। फिर ये मुझे तीर के निशान से शो करेगा कि आप लोगों ने इस डायरेक्शन में जाना है। फिर मैं उस डायरेक्शन में जाके वहाँ वहाँ पर थोड़ी सी एक दो कदम चल के ही आप लोग बेशक डिग कर लें जितना करें। ये एक किस्म का ना एक खुदाई वाला सीन होता है। अब मैं यहाँ पर ना कर रहा हूँ खुदाई, डिग का मतलब खोदना होता है। तो मैं यहाँ पे अभी खुदाई कर रहा हूँ एक किस्म का, लेकिन फिजिकली तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन लॉजिकली गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे एक किस्म की खुदाई कर रहे हैं। इस ज़मीन के नीचे दबा हुआ है कहीं पे नेशनल ट्रेजर, मतलब ट्रेजर बॉक्स जो है। तो फिर जिस जगह पे वो डिग होगा, अगर उस जगह पे सही जगह पे मैंने आके इस डिग वाले ऑप्शन को यूज़ कर लिया तो मुझे वहाँ से वो ट्रेजर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी वही ट्राई करने की कोशिश में लगा हूँ। यहाँ पे मैं ये करने लगा हूँ, क्या कहते हैं, मशरूम यूज़ करने लग गया, तीर पे तीर दिखाए जा रहे हैं। अबे यार कब मिलेगा? मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा यार, मेरे दोस्त को आई थिंक मिल गया, वो बोल रहा था। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मिल गया मुझे ये नेशनल ट्रेजर वाला ये बॉक्स। और ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये हम एक ही ले सकते हैं पर डे का, उससे ज़्यादा आई थिंक हम नहीं क्लेम कर सकते। मैं दोबारा ट्राई करके बताऊँगा आप लोगों को। चेक करें दोस्तों। उसके बाद जैसे ही मैंने वीडियो का डन किया उसके बाद चेक करें कि यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ गया। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही कर सकता हूँ। ये देखो भाई, अभी ऑन का ऑप्शन भी आ गया, ओपन किया मैंने और मुझे क्या मिला, 24 घंटे के लिए पमा, 24 घंटे के लिए ये आँख वाला और एक ये मिली। अब चेक करते हैं इनका डैमेज वैमेज कैसा है। अब पता नहीं ये ओपन करने थे या नहीं। चेक करो भाई, बहुत हार्ड सीन हो गया।